मैं कैसे माना अपने आप को? पहली बार बोल रहा है इसलिए नहीं ना धो के आए बाकी के ना धो के नहीं आए पहली बार भिलवाड़ा आए कुछ बड़ा ही करते हैं आज तो कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी और उसी रास्ते पे चलने के लिए हम सब तैयार हो गए हैं। हमारी तरफ से हम किसी भी तरह की तैयारियों में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। दिन रात कोशिश की जा रही है कि ये सिस्टम आगे से आगे बढ़ता रहे। प्रोडक्ट की तैयारियां हो, सिस्टम की तैयारियां हो, और अभी बल्कि एक एजुकेशन के भी तैयारियां हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, तो पूरा सिस्टम क्या चाहता है, ये सिस्टम क्या चाहता है, ये नए भारत का निर्माण चाहता है। नए का मतलब क्या, ना तो क्या है नहीं, नए का मतलब है ऐसा भारत जहाँ स्वावलंबन की कोई समस्या न हो, यानी पैसे से कोई अभाव की स्थिति न रहे, प्रेम की कोई कमी न रहे, शरीर जो है इतना रोगी ना हो जितना अभी निरोगी जीवन, आपस में प्रेम भाईचारा एकता संगठन, ऐसे एक नए भारत की कल्पना इस आर्सियन के माध्यम से पूरी करने का एक अनुष्ठान है आर्सियन। तो बड़ा करने का मतलब ये है कि हमें हर घर में आर्सियन को पहुंचाना है, क्योंकि आर्सियन तो हर घर के लायक है। तो बाजार के सामान खरीद रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं। क्या मिल रहा है? बीमारी। बीमारी मिल रही है और तो कोई फायदा दिख नहीं रहा है। तो ऐसी बीमारी में जाने से क्या फायदा है? तो बीमारी से बाहर आना है और पूरी दुनिया को लाना है, यही तो काम करना है। तो आप सबको समझ पाओगे? हम सबको समझाना पड़ेगा, उसका कोई तरीका देखना पड़ेगा कि कैसे समझाया जा सकता है। तो अभी क्या एक विषय बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हमको हर घर में पहुंचना है। मेरी एक सीमा है, मेरी पहचान में जितने साथी है वहां तक मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं हर एक पूरे हिंदुस्तान में तो मैं नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को मान लो 10 से पहचान है, 20 से पहचान है, तो मैं इनको बताया और इनको बोलूं आपके पहचान वालों को आप बताओ, फिर ये जो आगे बोलेंगे कि आपके पहचान वालों को आप बताओ, तब तो हम हिंदुस्तान में पहुंच सकते हैं। और मैं ही कोशिश करता रहूं तो मेरी तो सीमा है, हर एक इंसान की सीमा होती है। तो थोड़ा सा हमारे अभियान में हम एक परिवर्तन, जो परिवर्तन तो नहीं कहेंगे वैसे इसको, सही तरीका कह सकते हो नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क के माध्यम से ही घर घर में पहुंच सकते। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जो श्रृंखला बनाते हैं ना उसको नेटवर्क बोलते हैं। तो नेटवर्क को मजबूत बनाना है, एक दूसरे के माध्यम से आगे इस अभियान को पहुंचाना है, तो हम भी सुखी, वो भी सुखी और पूरा हिंदुस्तान। ऐसे बनेगा नए भारत का निर्माण। थक गए सर? थके थके से मत लगो, जगह जगह से लगो, सीधे बैठो, कुर्सी का सारा छोड़ दो, पीछे टच मत करो, ये पीछे है ना,
ये इसलिए कि आप गिर नहीं जाओ, सहारा लेने के लिए नहीं, इससे दूर रहो। करंट गर्दन तो हिलाए जा रहे पर दूर हो नहीं रहे, और ज्यादा चिपक गए। ऐसे मानोगे मेरी बात? थोड़ा सा क्या अलर्ट होके बैठना पड़ेगा ना, तभी तो मजा आएगा बात का। तो एक अच्छा मजबूत नेटवर्क के माध्यम से घर घर में पहुंचने का एक तरीका विकसित करते हैं। इस चीज़ पे काम काफी दिनों से चल रहा है। संजीव जी और अंतरोज जी बातचीत करते हैं, इस चीज़ पे बहुत कोशिश की जा रही है। बहुत मजबूत तरीका, आप एक बार इसको पकड़ लोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। वो तरीका क्या है? इसको बोलते हैं सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग। सीधा है, सीधा सीधा अपने विषय पर है। सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग, तो जिसको मैं ज्वाइनिंग कराऊं उसको निष्क्रिय नहीं रखूं, उसको सक्रिय करूं, उसके माध्यम से उसके आगे की पहचान वाले, फिर उनके माध्यम से उनके आगे की पहचान वाले, और ऐसे आगे से आगे गुणात्मक करते करते हम पूरे हिंदुस्तान के घर घर में पहुंच सकते हैं। यस, इसके लिए आपको बहुत आसान तरीके दे दिए गए अभियान बताने के, कि आप वीडियो बना दिया आपको, ताकि आपको बताने में या जो नए आते हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी कि चलो यार मैं तो नया हूँ, अभी मैं कैसे समझाऊँ। मत परेशान हो, आपके पास वीडियो है, वीडियो दिखाओ। तो ये सब कोई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और इतना तैयार आप सबको होना पड़ेगा, और आगे से आगे इसको सक्रिय गुणात्मक वाले तरीके को पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात मेरी? थोड़ा सा इसको सारा, इसका सारा छोड़ो, जो जिन्होंने भी ले रखा है ना, इसका सारा छोड़ो। इसको थोड़ा समझ ले आज, इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। यस, जो भी साथी अभी नए बोले, हम बहुत सारे नए हैं यहाँ पे, नए भी होंगे, जो भी साथी नए हैं, जो भी साथी पुराने हैं, जैसे भी है, उनको हरेक को क्या करना है, हरेक को अपनी एक लिस्ट, अपने पहचान वालों की लिस्ट बनानी है, और उनको प्रतिदिन इस अभियान के बारे में बताना है। बता सकते हैं? अगर खुद को अभी बिल्कुल ही नए हैं, एकदम एकदम ही नाके निकले ही हैं, तो अपलाइन की मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा साथी है उसकी मदद ले सकते हैं। पर काम नहीं रुकना है, काम आगे से आगे हमें सबको बताते रहना। मान लो ये पहली कुर्सी पर जो बैठे हैं, इन्होंने अपने चार पहचान वालों को बताया, इस छोटे बालक तक चार को बताया, तो ये चार फिर अपने पहचान वालों को 10-10 को 20-20 को बताएंगे, फिर वो 10-10 आगे से आगे ऐसे अभियान के बारे में बताएंगे। इसमें कोई रुकावट मुझे नजर नहीं आती, आपको कोई रुकावट जैसा दिख रहा है क्या? अगर कोई रुकावट है तो उसे हमें दूर करना, बस यही करना है। इसको बोलते हैं सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग। ये इसको आज की एकेडमी में, आज अगर आप आए हो तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इस सूत्र को आपको लेकर जाना ही जाना है। कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझसे वापस भले आप पूछ सकते हैं, कि यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार समझना चाहते हैं, कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है या यहाँ कैसे करेंगे, तो आप बिल्कुल पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सूत्र लेकर जाना ही जाना है। यस, प्रयोग करके देख लें, क्योंकि समझाने का तो ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं, भैया ने तो ज्वाइनिंग कराई थी पहले, इधर उधर नहीं करते, ज्वाइनिंग कराई बलवान जी की, ज्वाइनिंग आज ही वापिस आपको नया मना रहे हैं। बलवान जी की ज्वाइनिंग आज ही हुई, तो ये भैया बलवान जी को कहेंगे कि आप हमारे सिस्टम में शामिल हुए, और हम चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी हम
बड़ी ऊंचाई पर लेकर जाए, क्योंकि हमारे को मदद के बिना मजा आता नहीं है। हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा हमारे लिए कीजिए कि आप एक 11-21-31 लोगों की लिस्ट बनाकर आप एक शुरुआत कर दीजिए। अच्छी ऐसे भी बात बलवान जी से बात कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आप जल्दी से 10-20 हज़ार रुपये की इनकम पर पहुंच जाएं, या क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में स्वास्थ्य बढ़े, क्या आप चाहते हैं कि आपके जान पहचान वाले भी स्वस्थ रहें, तो ये कहेंगे आप। तो आप क्या करें, एक बार अपने जान पहचान वालों की लिस्ट बनाएं, ताकि जैसे मैंने आपको अभियान के बारे में बताया, अपन मिलके अब उनको आगे अभियान के बारे में बताएंगे और ये सिलसिले को इस तरह चलाएंगे, तो बहुत जल्दी आप भी प्रोग्रेस करोगे और बहुत सारे साथियों को हम लाभ भी पहुंचा पाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको बात अच्छी लगती है, पर ये बलवान जी को तैयार कर रहे हैं, बलवान जी के साथ और चार साथियों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि ये लिस्ट अपनी बना रहे हैं और उनको मिलने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? नो। कोई कन्फ्यूजन है क्या? नो। बोलो जय आर सी एम। जय आर सी एम। मिलजुल के एक बार जोर से बोलो जय आर सी एम। जय आर सी एम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो। दूसरी बार नहीं बोल गया तो बढ़िया ही है। ये भैया ने बलवान जी को ज्वाइनिंग कराई और ये समझते हैं कि मेरा यहाँ का काम खत्म हो गया, अब मुझे कुछ और करना है, यानी ये समझते हैं कि ज्वाइनिंग मैं ही कराऊंगा तो होगी, इसके अलावा तो दुनिया में कोई है ही नहीं काम का। ऐसा एक गलत फहमी पाल ली अभी हमने, या फिर क्या हुआ, आप लोगों को या शायद बाहर की दुनिया में कुछ ऐसी गलत कंपनियों का एक रोग लग जाता है। गलत कंपनियों में क्या होता है कि ज्वाइनिंग ऐसे गुमराह करके बनाई जाती है कि उसमें आगे से आगे ज्वाइनिंग नहीं बैठती है, क्योंकि गुमराह करना जिसको आता वही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं होती। तो वहाँ तो आपको ही करना था, आप ही को करना, वहाँ दूसरा नहीं कर सकता। पर हमारे यहाँ क्या है कि बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, सारे आम काम के प्रोडक्ट है, इतना फेयर, इतना बढ़िया सिस्टम है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तो हमारे ऐसी चीज़ें जो हम आराम से हर कोई हर किसी को बता सकता है, तो वो दूसरी कंपनियों का फॉर्मूला यहाँ नहीं थी। यहाँ तो हमारा सार्वजनिक है, यहाँ सार्वजनिक है, खुल के बताओ आराम, क्या डरने की कोई बात ही नहीं। इसलिए वो कुछ पुराने तरीके या गलत तरीके हमने पकड़ लिए कहीं ना कहीं से, उसको छोड़ देना। आज सब साथी सुन रहे हैं मेरी बात को, समझ भी रहे हैं? एक बार बोलो जय आरसीएम। बाबूजी, सफेद बाल वाले बाबूजी, आपका चेहरा भी, आप देखिए आपसे 2-3 कदम आगे थोड़ा सा आप यूं बैठो ना, मेरे को आपका चेहरा दिखाई देता है, तो बढ़िया है। आपका चेहरा बहुत सुंदर है पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा आप यूं हो गए जो। हाँ तो जब भी हम अंदर हो रहे हैं ना, थोड़े ऊपर आ जाओ, बढ़िया रहेगा आपका, थोड़ा सा एक कमर में दर्द भी नहीं होगा इससे, और सीधी भी हो जाएगी कमर और चेहरा भी दिखता रहेगा। तो वहाँ यहाँ पर बिल्कुल अलग सिस्टम चलेगा और ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे सिस्टम में इस परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों की आदत जो अभी भी वो पुरानी पड़ी हुई है, जो ही नहीं करो उसको छोड़ दो, जैसे यहाँ का काम तो हो गया, अब दूसरी ओर चलते हैं, क्योंकि वो तो करा ही नहीं सकता जय नहीं जिसको मैंने कराया। ऐसा कहीं न कहीं से एक आदत में आ गया, गलती से आया, जैसे भी आया है, उस आदत को आज यहीं छोड़ के जाना, यहीं लेके मत जाना। और ये मानो ही मत कि मैं ही करा सकता हूँ, इस धारणा को भी तोड़ो, सब करा सकते हैं। अपन ने जो मान लिया कि मैं कराऊंगा तो ही होगा,
सब कराएंगे, सब पे भरोसा करो, थोड़ा सबसे बात करो, सब पे विश्वास करो, सब कराएंगे, आगे से आगे ज्वाइनिंग कराएंगे, अपन ने क्यों मान लिया। हाँ, शुरू में सिखाना तो पड़ता है, थोड़ा बहुत तो साथ रहना पड़ता है, पर कराएंगे वो, और मैं कहता हूँ आपसे ज़्यादा अच्छी कराएंगे। भाई जो नया आया है उसको क्या पता कि क्या सिस्टम होता है, उसको तो आप कह दोगे कि आगे से आगे ज्वाइनिंग करानी है, आप जिनको कराओ उनको बताओ, उनको बताओ, तो वैसा ही सीखेंगे, तो तुरंत पकड़ लेंगे बात को। वो तो केवल पुराने में है गड़बड़, कोई नए में कोई गड़बड़ नहीं, नए बहुत जल्दी पकड़ेंगे। तो ये ऐसे आगे से आगे, ये बलवान जी को बता रहे हैं, बलवान जी फिर आगे बता रहे हैं, इसको बोलते हैं सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग। वीडियो देखना चाहोगे? Yes! क्योंकि बहुत सारे साथी तो रोज देखते ही होंगे, पर बहुत सारे साथी नए बोल रहे ना, आप नए, तो हम जो अभी अभियान प्रचार कैसे करते हैं और क्या तरीका है, इसको पूरा का पूरा अपन पूरा का पूरा पिक्चर के जैसे चलाते हैं। यस, ये आगे आगे वालों को अपन नए साथी मान लेते हैं, जिनको अभी अभियान बता मुलाकात में। हम एक बहुत बड़े, मेरे साथ तीन चार जने इधर और है, अभी उसको मान लीजिए आपने, हम क्या कि चार पांच जने मिलके बताते हैं अभियान। तो हम एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में काम करते हैं, जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, यानी भारत की अनेक चुनौतियों को ये अभियान दूर करना चाहता है और एक बहुत सुंदर भारत बनाना चाहता है, जिसकी जानकारी देने के लिए एक वीडियो है मेरे पास, 10 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 मिनट का वीडियो, पर मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे कि आप उस 10 मिनट में पूरा ध्यानपूर्वक उस वीडियो को देखें। ये थोड़ा सा आपका सहयोग मुझे चाहिए, 10 मिनट का वीडियो बहुत ध्यान से, बाकी सारी चीज़ों को भी भूल जाए और उसको देखें प्लीज़, हमारी ज़िंदगी के काम का ये। तो हम वीडियो देखते हैं, तैयार हैं? yes! में किया गया ताकि उनको भी हम अभियान के बारे में बताएं और उनको भी इस अभियान में शामिल कर लें। तीसरा नियम किसी ने नहीं बताया, जिसके बिना गुणात्मक हो ही नहीं सकता। तीसरा नियम यह है कि जो आगे से आगे शामिल हो रहे हैं अभियान में, उनको इस अभियान प्रचार को सिखाना, नहीं तो आगे कैसे चलेगा वो, पहली से दूसरी पे तो बढ़ गए, 11 की लिस्ट बन गई, उनसे मिल लिए, आगे कैसे चलेगा। तो आगे वो जो 11 जो शामिल हुए हैं, जो भी उसमें से